हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पिगमेंटेशन का फेस पैक शेयर करना चाहती हूँ, जिसको मैं यूज़ करती हूँ खुद भी हफ्ते में एक या दो बार। तो यहाँ पे मैंने रॉ मिल्क लिया है, उसमें मैंने 1.5 चम्मच मसूर की दाल, 1.5 या 2 चम्मच उड़द की दाल। आपको ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितने दिन के लिए बनाना चाहते हैं। मैं 3-4 दिन का बना के रखती हूँ फ्रिज में। तो और इसमें 4-5 बादाम डालेंगे। उसके बाद बादाम ऐड करने के बाद इसमें आप थोड़े थोड़ी सी मैंने इसमें पीनट्स डाली थी, मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली मिलती है बाजार में वो। तो यहाँ पे आप कच्ची मूंगफली ले लें, और इसको मैंने थोड़ी सी कितनी डाली थी, एक आधी मुट्ठी टाइप कुछ। मेरी कोई ऐसी मेजर क्वांटिटी नहीं होती, मैं अपने हिसाब से जितना मुझे लेना होता है मैं ले लेती हूँ। तो इतनी मैंने इसमें पीनट्स डाली थी, और अब मैं इसको रात भर के लिए छोड़ दूंगी। मूंगफली थोड़ी सी दरदरी होती है, इसलिए स्किन की बहुत डीप क्लिंजिंग करती है, ब्राइटनिंग के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, और जो डेड सेल्स होती है उनको निकालने के लिए मूंगफली बहुत बेनिफिशियल होती है फेस के लिए। तो ये मैंने निकाला, शायद ये मैंने हाँ शाम को निकाला था, शायद सुबह में भिगोया था, शाम को निकाला था। तो ये इस टाइप का हो गया, और ये थोड़ा सा मेरा जार बड़ा है, तो इस वजह से ये इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये ढंग से ग्राइंड नहीं होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध और मिक्स करूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं इसको इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, ये इसका पेस्ट बन गया है। अब मैं इसको एक बॉल में करके रख लूँगी, ये 2 से 3 दिन काम आ जाएगा। अगर आप इसमें वो मिलाना चाहते हैं कोई भी ड्राई पाउडर, जैसे चंदन पाउडर हो गया, बेसन हो गया, वो आपके ऊपर है, पर मैं इसको इसी फॉर्म में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चंदन पाउडर है नहीं। और चंदन पाउडर ना जो ओरिजिनल मिलता है ना, वो मैं अपने उधर से ही लेके आती हूँ। यहाँ पे थोड़ा वो रहता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो और जब ये हम बिल्कुल नेचुरल चीज़ें लगा रहे हैं, तो फिर बाहर का आर्टिफिशियल मिलाने का कोई वो भी नहीं बनता ना। तो इस टाइप से ये इसका पेस्ट बन गया है। अब मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया। पता नहीं यार मेरी क्लिप्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार रुक जा रही है। ये मिला लिया, अब मैं यहाँ पे फेस धुल के आ गई हूँ, और ये देखिए मेरे फेस पे रेडनेस हो रही है। रेडनेस ये इसलिए होती है, जैसे मैं किचन में काम करती हूँ ना, मेरा फेस थोड़ा सा हल्का सा रेड रेड होना शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पे फेस, और ये जो मेरे को नीचे होंठ के नीचे पिंपल आया ना, ये उस फेशियल का नतीजा है। जब मैं फेशियल कराने गई, मेरे फेस पे यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और जब मैं वहाँ से आई, इतना मोटा पिंपल भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, इतना मोटा काला काला सा हो गया फेस पे, क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अपना अच्छे से फेस धुल लिया है, और अब मैं इस फेस पैक को लगाना शुरू करती हूँ। आप चाहें तो इसमें, मतलब इसका ऐसा है कि इसको लगाने के बाद ना, इसको थोड़ा छुटाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है ना, ये थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो इसको निकालने में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो मैं इसको 20 मिनट रखूँ, मैं कोई भी फेस पैक लगाऊँ उसको 20 मिनट तक तो रखती ही रखती हूँ। आप चाहें तो आप उसको लेयर अप कर सकते हैं, जैसे एक बार लगाने के बाद आप दोबारा एक बार और लेयर अप कर लें, अगर आप कोई ज़्यादा मतलब काम में टाइम लग रहा है। मेरे को ऐसा ही होता है, अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी काम में, मैं बिज़ी हूँ, तो मैं इसको लेयर अप कर लेती हूँ और बाद में धुल लेती हूँ काम निपटा के। तो अब आप इसको ऐसे इस टाइप से लगा ले। मैं ब्रश से लगाना प्रीफर नहीं करती, क्योंकि यार उसको धुलना, और धुलने के बाद जब वो सूखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें तो बैक्टीरिया रह गए हैं। तो इसलिए मैं ब्रश इस्तेमाल नहीं करती, मैं हाथ से ही फेस पैक लगाना शुरू करती हूँ। मूंगफली का फायदा सबसे ज्यादा फेस के लिए इसलिए है, ये है कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और आपको पता है कि विटामिन सी फेस के लिए कितना 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 ब्राइटनिंग के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। और ये कोलेजन भी बूस्ट करता है, जैसे आजकल आप यूट्यूब चलाते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें कोलेजन के कितने ऐड आते हैं, इनटेक करने वाले। कोलेजन बूस्टर का काम करता है, और फेस को एक टाइम के बाद कोलेजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो आप इनटेक करो या फेस पे लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है एक टाइम के बाद। उड़द की दाल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो कि ये फेस पे हल्के फुलके पिंपल्स हुए इनको दूर करते हैं, फेस पे से डार्क स्पॉट्स हटाते हैं, पिगमेंटेशन का काम करते हैं, पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। तो इन चीज ये सारे मिलके, आलमंड में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि आपको पता है विटामिन ई फेस के लिए कितना। विटामिन ई के तो कैप्सूल्स आते हैं अलग अलग, अगर आप लगाना चाहते हो, मैं उनको भी यूज़ करती हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करना। मसूर की दाल जितनी खाने में अच्छी होती है, उतनी ही फेस पे लगाने के लिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट, एंटी पिगमेंटेशन, विटामिन होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि फेस पे एक मैजिकल ट्रीटमेंट का काम करते हैं। मैं
अगर मेरे पास कभी फोटो होती तो मैं आपको अपनी कभी पहले की फोटो दिखाती जब मैं पढ़ती थी, उस टाइम से आज तक कितना चेंजेस आया है। मतलब कोई भी आदमी अपनी स्किन टोन को ना 3 से 4, 4 से 5 गुना बदल सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, मैं कभी ढूंढूंगी घर जाके, इस बार अगर मेरे को अपनी पिक्चर मिली तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरी हॉस्टल की पिक्स थी जो मेरे को मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो अब मैं इसको 10 से 20 मिनट कर लूंगी और देखो ये गलत क्लिप जुड़ गई बीच में। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे मैं ये मेरा फेस सूख गया है। अब मैं इसको पहले तो टिश्यू पेपर से उतारने की बेवकूफ बनने की कोशिश करूंगी, जो कि टिश्यू पेपर से बिल्कुल नहीं उतने का बेदिमाग वाली कोशिश है ये मेरी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको उतारने की कोशिश की जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप और फेल हुई। अब मैं इसको धुलने जा रही हूँ। अब जब मैं ये फेस धुल के आऊँ, अब देखिए आप लोग, आपको बिफोर एंड आफ्टर का खुद फर्क पता लगेगा कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ये फेस के लिए और क्या इफेक्ट ये फेस पे देता है। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैं प्लेन वाटर से फेस धुल के आई हूँ और ये टॉवल से साफ करने के बाद मैं इस पे टोनर और सिर्फ एलोवेरा जेल लगाऊंगी और कुछ नहीं। अब मैं ये बालों में लगा जाता है वही मैं साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ मैं टोनर लगाऊंगी, ये मैंने बॉडी शॉप की बोतल में भर रखा है विटामिन सी का ममा अर्थ वाला टोनर। अब मैं इसको लगाने के बाद थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाएगा मेरा टोनर तो मैं इस पे लगाऊंगी एलोवेरा जेल, पतंजलि का जो केसर वाला एलोवेरा जेल है वो, और जो इसका ग्रीन वाला एलोवेरा जेल आता है ना, इनमें वैसे तो 10 रुपए का फर्क होता है, शायद ये 10 रुपए महंगा आता है और 10 रुपए सस्ता आता है, मेरे पास दोनों है। पर ये मैजिकल है भाई, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट मिलता है मेरे फेस पे। बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको लगाती हूँ मेरी आँख से पानी निकलता है, पता नहीं इसमें